इसके लिए हमने देखी 8 नंबर की ये सिलाई ली हुई है और साड़ी से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे। हमने एक नॉट लगा लिया है, अब इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। देखिए इसको इस तरह से क्रॉस कराएंगे और इस तरह से देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मैं इसको 14 फंदे से आपको बना करके बता रही हूँ। देखिए आप इसी तरह से 2 के जोड़े से जितना भी फंदा डालना चाहो, 20, 30, आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो। तो देखिए अभी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। ये देखिए उल्टा बनाते हुए हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब ये देखिए अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए हमने 12 फंदा बुन लिया, 2 फंदा यहाँ से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये इसका सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। देखिए फिर यहां से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदा हमने बुन लिया। 2 फंदा ये देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे पहला फंदा उतारना है और यहाँ से हर बार 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। अब ये सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए सीधे साइड से सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। अब इस साइड से देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। देखिए ये पहला फंदा उतारने से देखिए ये चेन सब बन करके आता है, इससे किनारी बहुत प्यारी बनती है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ पे हमने 2 फंदा ये छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2-2 करते हुए हमें सभी फंदे यहाँ तक छोड़ लेने हैं। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सीधे साइड से कुछ नहीं करना, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है और ऊपर से भी कुछ नहीं करना है, ऊपर से पहला फंदा उतारना है, सिर्फ नीचे से हमें 2-2 करके फंदे छोड़ते जाना है। ये देखिए 2-2 करके हमने सभी फंदों को छोड़ लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-2 करके ये 12 फंदे हमने छोड़ लिए। लास्ट में ये 2 फंदा बचा है, ये देखिए इसको हमने आप इसको बुन लो इस तरह से। फिर देखिए इसको हम पट्टी को पीछे कर देंगे क्योंकि यहाँ से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, तो इस वजह से हमने इस फंदे को नहीं बनाया है। देखिए और यहाँ पे हमने 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब देखिए मैं यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे।
फिर जो इसका किनारा है इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। तो ये बाहर को नहीं निकलने का है, देखिए इस तरह से इसको इसमें रोल कर लेंगे। ये देखिए अब दो दो करके हमने जितने भी फंदे छोड़े हैं इन सभी फंदों को अब ये क्रीम कलर से बना लेंगे। ये देखिए आप अपने पसंद का इसमें कोई भी कलर लगा सकते हो। तो देखिए एक कली ये बन गई है, अब मैं आपको दूसरी कली बना करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देखिए सभी फंदों को हमने ये क्रीम कलर से बना लिया है। पहले ये ग्रीन कलर से बना रहे थे, अब देखिए क्रीम कलर से हमने सभी फंदों को बना लिया है। अब सीधे साइड से भी हमें सभी फंदों को अभी बना लेना है, क्योंकि हमें डिजाइन उल्टे साइड से ही बनानी है। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे पायदान की वीडियो आपको कैसी लगती है। अब फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देखा करो तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ। क्योंकि जिसको बनाना आता है वो तो आसानी से समझ लेता है, लेकिन जो अभी नया नया पायदान बना रहे हो उनको थोड़ा समझने में परेशानी होती है, इस वजह से मैं एक एक चीज़ आपको बताती रहती हूँ। ये देखिए अब ये पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, इस पट्टी को साथ में लेते रहेंगे क्योंकि आगे फिर कली इससे हमें बनानी है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर यहाँ पे हमने दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे मैंने ये कली बनाई थी, अभी ये पहली कली जैसे हमने बनाई थी नीचे से, यहाँ से हर बार दो दो फंदे छोड़े थे, वैसे ही हमें नीचे से दो दो फंदे छोड़ते हुए बनाना है। सीधे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए सीधे साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड किया, इस पट्टी को साथ में इस तरह से लेते जाएंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 फंदा बना लिया, दो फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से दो दो फंदा छोड़ते हुए हमें कली बनाते जाना है। तो जैसे ये कली बनी है ऐसे ही हमें पांच कली बना लेना है। दो तीन कली ये ग्रीन कलर से हरे कलर से बनाएंगे और क्रीम कलर से दो कली, तो ये पूरी पांच कली मैं बना लेती हूँ। तो आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने पांच कली बना ली है, आप इससे ज़्यादा भी कली बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये पांच की जगह आप सात कली भी बना सकते हो। अब ये देखिए क्या करना है, अभी मैं ये कलर नहीं लगाऊंगी, अब दो दो करके जितने भी फंदे छोड़े हैं अब ये मैं ग्रीन कलर से ही हरे कलर से ही बना लूँगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 देखिए हमने सभी फंदे इस कलर से बना लिए हैं। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, आप इसमें इधर से ये फंदे उठा भी सकते हो। मैंने एक पायदान बनाया है जिसमें ये फंदे उठा करके भी आपको बताया, लेकिन इसमें मैं फंदे उठाऊंगी नहीं, जितने ये फंदे हैं उतने ही फंदे मैं और भी इसमें डाल लूँगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे फंदे डाले थे वैसे ही देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए 1, 2, 3, 4, 5,
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। देखिए यहाँ पे जितने फंदे थे 14 फंदे, उतने ही फंदे हमने यहाँ पे भी डाल लिए हैं, तो ये टोटल 28 फंदे हो गए, इसका डबल हो गया ये। अब सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। यहाँ से थोड़ा चेंज है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक तो हमने कली बनाई थी, अब आगे देखिए थोड़ी डिजाइन अलग है। देखिए ये 14 फंदे जो हमने अभी डाले हैं उनको बना लिया, अब बाकी के जो ये फंदे हैं 14, इनको भी सभी को बना लेंगे। टोटल 28 फंदे हैं, उन सभी को हम बुन लेंगे। अब ये देखिए इसमें ये पट्टी ख़त्म हो गई है। अब इस पट्टी में कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस पट्टी के बीच में इस पट्टी को रख लेते हैं इस तरह से, और इसको रोल कर लेते हैं तो ये पट्टी नहीं बाहर निकलती है और नहीं पता चलता है कि हमने इसको कहाँ पे जोड़ा है। ये देखिए इस तरह से बना लिया। अब जो पट्टी हमने जोड़ी है और जो ख़त्म हो गई उसका भी किनारा इसमें ले करके दोनों साइड से हम इसमें रोल कर लेते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल भी बाहर को नहीं निकलता है और नहीं पता चलता है। देखिए अब इस पट्टी को हमने पीछे कर दिया, यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, इस फंदे को हमने उतार लिया। अब ये क्रीम कलर से हमें बनाना है, तो अब देखिए सभी फंदों को हम जितने ही फंदे हैं ये यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे हैं सभी को हम इस कलर से बना लेंगे। ये देखिए अभी हमारे पास जो कली बनाया था उसका डबल फंदा हो गया है, 14 फंदे से हमने कली बनाई थी। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाओगे, अब अगर इसमें 18 लेते हो 20 लेते हो जितने फंदे लेते हो तो उसका डबल हो जाएगा। अगर 20 लोगे तो ये 40 फंदे हो जाएंगे। जितने फंदे होंगे उतने ही फंदे हमें और आगे एक्स्ट्रा लेना होगा। अब ये देखिए हमने सभी फंदों को बना लिया है। देखना फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा अलग है डिजाइन। पहले हमने क्या किया था, जब ये कली बनाया था तो ऊपर से कुछ भी नहीं किया था, सब नीचे से दो दो फंदे छोड़े थे। लेकिन अब जो ये हम बना रहे हैं इसमें हमें दोनों ही साइड से एक एक फंदे घटाने हैं। तो देखिए एक दो, दो फंदा लिया, इसका हमने एक कर दिया, एक फंदा बच गया तो यहाँ पर एक फंदा घट गया। तो इसी तरह से हमें दोनों ही साइड से फंदे घटाने हैं, बीच में कुछ नहीं करना है, बीच में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस और ये देखिए 27। देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब ऐसे ही देखिए इस साइड से भी हमें दो का एक करते हुए एक फंदा यहाँ पे भी घटा देना है। तो ये देखिए
दो फंदा हमने लिया, इसको एक साथ बुन दिया, देखिए एक फंदा बचा, तो एक फंदा यहाँ पे भी घट गया। तो इसी तरह से हमें दोनों ही साइड से एक एक फंदे घटाते जाना है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। तो इसी तरह से सभी फंदों को हम बुन लेते हैं। देखिए उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई हमने बना ली है, ये देखिए दोनों साइड से, ये देखिए, और दोनों ही साइड से हमने एक एक फंदे घटा लिए हैं। ये देखिए इस साइड से हमने सभी फंदों को बना लिया है, फिर वापस में वैसे ही दो का एक करते हुए फंदा घटाना है। ये देखिए दो फंदा एक साथ लिया, इसको बना दिया, तो देखिए एक फंदा यहाँ घट गया, फिर देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे, तो इस पट्टी को हमने पीछे कर दिया, इस फंदे को हमने इस तरह से उतार लिया। अब हमें यहाँ से दो दो रो इस दोनों कलर से बनानी है, देखिए एक दो दो रो इसकी बन गई। अब वापस ग्रीन कलर की हरे कलर की दो रो बनानी है, और दोनों साइड से है हमें एक एक फंदा घटाते जाना है। अब देखिए 24 ये हमने बना लिया, एक 25 हो गया, तो एक फंदा यहाँ से दो फंदा यहाँ से तीन फंदा घट गया। तो इसी तरह से हमें हर बार दो दो फंदे घटाते जाना है। अब और दोनों ही कलर से हमें दो दो रो यानी चार सिलाई बनानी है। जैसे हमने चार सिलाई इसकी बना ली, उल्टे की दो रो बन गई, वैसे ही अब हमें ये ग्रीन कलर से भी चार सिलाई बनानी है। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे पट्टी जोड़ना बताया था वैसे यहाँ पे पट्टी जोड़ लेंगे। उससे पहले अभी हमें ये ग्रीन कलर से बनाना है, तो इसको बना लेंगे, जब इससे क्रीम कलर से फिर बनाएंगे तो यहाँ पे पट्टी को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दो फंदा हमने ले लिया, एक साथ बना दिया, तो देखिए एक फंदा यहाँ पे घट गया, बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिए हमने पूरी सिलाई बना ली है उल्टे उल्टे की, फिर इस साइड से भी ऐसे ही दो फंदे का एक करते हुए हमें फंदा घटाना है। देखिए एक दो फंदा हमें दोनों ही कलर से घटाना है, और दोनों ही साइड से ये ध्यान रखना है, अगर एक साइड से आप घटाओगे तो डिजाइन खराब हो जाएगी। एक एक करके इसी तरह से हमें दोनों ही साइड से फंदे घटाते जाना है। ये देखिए और दोनों कलर से ही चार चार सिलाई हमें बनानी है, यानी उल्टे की दो दो रो। एक बार मैं और आपको दिखा देती हूँ घटाने का। देखिए हमने पूरी सिलाई बना ली, फिर वापस दो का एक करते हुए हमें एक फंदा यहाँ पे घटा देना है। तो इसी तरह से हमें दोनों ही साइड से घटाना है। अभी देखिए इस ये उल्टे की एक रो बनी है, एक और बना लेंगे तो वापस फिर क्रीम कलर लगा लेंगे। इसी तरह से मैं दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए सभी फंदों को घटा लेती हूँ, तो लास्ट में क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए हमने ये देखिए पूरा बना लिया। अब लास्ट में सिर्फ ये कलर लगाना है, इसको बनाना है। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः बन गया है, तीन क्रीम कलर से और तीन ही ये हरे कलर से। अब देखिए यहाँ से अब मैं वापस ये क्रीम कलर लगा लूँगी। देखिए अब इस पट्टी को मैं यहाँ से काट दूँगी, इसको इस तरह से कट कर लेंगे क्योंकि अब इस पट्टी को नहीं लगाना है। तो इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे, इस पट्टी के बीच में इस तरह से रोल कर लेंगे इसको, जो ये पट्टी हमने काटी है इसको इसके बीच में रख करके
रोल कर लेंगे इस तरह से। देखिए, दो तीन चार, देखिए ये हो गए। फिर इधर से भी इस तरह से हमने घटा लिए, ये देखिए। तो अभी एक रो हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम फंदा नहीं घटाते, एक रो और इसी तरह से बना लेते हैं। एक फंदा यहाँ पे हमने नहीं घटाया, तो इसकी दो रो बन जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पे फंदा घटा दिया, इस फंदे को बुन लिया। अब सिर्फ दो फंदा बचा है, इसको हम यहाँ से देखिए इस तरह से घटा देंगे। तो अब ये देखिए, ये पूरा बन गया है। चार इसकी लाइन बनी है क्रीम कलर की और तीन ये हरे कलर की। तो अब यहाँ से मैं पट्टी को कट कर दूंगी। देखिए, इसके बीच में से निकाल करके इस तरह से टाइट करके यहाँ से इसको काट देंगे, ये देखिए। तो ये पूरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई कर लेनी है हमें। ये इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। तो इसको पहले मैं जोड़ लेती हूँ। इसके लिए हमने बड़ी सुई और मोटा धागा लिया हुआ है। तो इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे। तो यहाँ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे जिससे कि ये खुले नहीं। इस तरह से सिलाई करते हैं तो सीधे साइड बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ पे लगाई है। दोनों का जो फंदा डाला है, इसको आपस में इस तरह से लेते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, एक कली बन करके तैयार हो गई है ऐसी। एक, दो, तीन, चार और ये देखिए पांच। ये पांच कली बन गई है। अब देखिए, इसको मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कि इसको कैसे सिलना है। तो ये देखिए, इस तरह से इसको रखेंगे, ये देखिए। पांचों कली को इस तरह से रखेंगे। इसमें मैंने आपको छह कली का और चार कली का भी बताया है। तो देखिए, ये ध्यान रखना है कि ये इसके सामने होना चाहिए। अब सभी में अलग अलग डिजाइन बन जाती है। देखिए, अगर जो चार कली का बनाते हैं तो उसको इस तरह से खींचते हैं, और जो छह कली का बनाते हैं उसको इस तरह से लंबाई में खींचते हैं। लेकिन जब पांच कली का ये जो बना रहे हैं, ये बिल्कुल बराबर आता है। ये देखिए, पांच कली का ये सिलेंगे तो इसमें कहीं भी खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बराबर बनता है। तो अब ये देखिए, इसको कैसे सिलना है। ये सीधा साइड है, इसको सबको पहले उल्टा कर लेंगे, क्योंकि सिलाई हमेशा उल्टे साइड से ही लगाते हैं। तो सभी को उल्टा करके रख लेंगे। इसके लिए देखिए, ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। पतला धागा रहेगा तो सिलाई टूट जाएगी। अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, ये ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के सामने हो। हमें सिलाई यहीं से करना है, क्योंकि इसके ऊपर ये कली है। तो यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे, या आप निकाल के ऐसे छोड़ दो, नहीं तो एक नॉट लगा दो इसमें, ये देखिए। फिर ये सामने सामने लेकर के हमें सिलते जाना है। देखिए, बिल्कुल ये सामने होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन खराब हो जाएगी। देखिए, इस तरह से इसको सिलते जाएंगे। देखिए, लाल के सामने लाल और क्रीम के सामने क्रीम कलर, ये मिला करके सिलना है। देखिए, और इस तरह से सिलाई करते हैं तो इधर सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, सामने सामने मिला करके हमें सिलाई करनी है। सही डिजाइन जब ही बनेगी फ्रेंड्स।
नहीं तो डिजाइन खराब हो जाएगी। देखिए बिल्कुल सामने सामने बन रहा है, देखिए ये दिख रहा है, देखिए बिल्कुल सामने बन रहा है। ऐसे ही इसको मिलाते हुए हमें पूरा सिलना है। देखिए इसको ऐसे सिल लेंगे, फिर इधर को ऐसे सिल लेंगे, फिर ये सभी को इसी तरह से सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि ये देखने में कैसा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्यारा सा खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।